सो अभी आए हैं बौद्ध स्तूपा। नेपाल में ये स्तूपाज बहुत फेमस है, ऑब्वियसली क्योंकि लॉर्ड बुद्धा यहीं पे उनका बर्थ हुआ था, ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा की। तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूपाज हैं, तो वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हम यहाँ पे विजिट करेंगे। लेट्स गो। मैं बहुत थक गई हूँ आज, मैं बहुत सारी जगह गई हूँ और अभी हम बौद्ध स्तूपा आए हैं। सो बौद्ध स्तूपा के अंदर ही बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी क्विजीन खाना चाहो, जापानी, स्पैनिश, नेपाली, चाइनीज, वट एवर यू वॉन्ट। तो ये हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं और ये एक नेपाली फूड है
ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। ये है वेज ड्राई लाफे, तो ये मैं ट्राई करती हूँ। ये देखो इसका अंदर शायद से कुछ तो ब्रेड का है कुछ तो अंदर, और माय गॉड बहुत स्पाइसी, बहुत स्पाइसी है, और अंदर ब्रेड ब्रेड क्रम्स है, इसका मसाला बहुत स्पाइसी है। नीड टू ड्रिंक वाटर। और अभी ये आया है मेरा स्ट्रॉबेरी शेक, एटलीस्ट जो मैंने इतना स्पाइसी खाया उसके बाद ये तो बनता ही है यार। सो ये आपने इंडियन में इंडिया में बहुत सारे मोमोज खाए होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे मोमोज लवर हैं वहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग नेपाली स्टाइल का मोमोज खाएंगे बिकॉज नेपाल इज़ वेरी क्लोज टू चाइना एंड इट्स अ चाइनीज डिश। ये जो मेरे मोमोज सामने हैं ये है सूपी मोमोज, एज यू कैन सी ये सूप है और इसके अंदर ये मोमोज फ्लोट हो रहे हैं। सो मैं पहले सूप का टेस्ट बता रही हूँ कैसा है। अच्छा है, पूरा फुल ऐसे चाइनीज सूप जो आप खाते हो ना मंचाओ सूप, वो वैसे ही टेस्ट आ रहा है उसका। अभी मैं मोमोज ट्राई करती हूँ, मोमोज कैसा है। गरम बहुत है यार, गरम बहुत है ये मोमोज। काफ़ी डिफरेंट है यार इंडिया से, इंडिया के मोमोज से बहुत डिफरेंट है। वाह, नेपाल और ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, काफ़ी डिफरेंट है ये। तो ये मैं वेज सूपी मोमोज फिनिश करती हूँ। इतना बड़ा बोल है कि मतलब यू नो इसमें बहुत सारे पीसेज हैं, एटलीस्ट 10 to 12 पीसेस तो होंगे ही मोमोज के। इतना अकेले तो मैं नहीं खा सकती लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी।